हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुरी से बुरी नज़र उतारने का सरल उपाय। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़र लगने पर विश्वास करना न करना अलग बात है, लेकिन हमें अपनी दादी नानी से पता चलता है कि वे नज़र उतारने के लिए क्या क्या जतन करती रहती थी। तो आइए जानते हैं नज़र दोष से जुड़ी हुई 7 बातें। नंबर 1, यदि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो वह अचानक से रोना शुरू कर देता है और खाना अथवा दूध पीना भी बंद कर देता है। ऐसे में 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ सरसों के दाने लें। इसके बाद बच्चे के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इसे 3 बार घुमाएं। इसके बाद इन सब चीज़ों को जला दें। जलाने के बाद में धुआं उठेगा, उठने के बाद ही नज़र है वो हट जाएगी, बुरी नज़र का असर है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2 है, 1 रुई की बाती लें और उसे सरसों के तेल में डुबो दें। उसके बाद उस बाती को बच्चे के ऊपर से 3 बार उतारें, यानी कि बच्चे के ऊपर से घुमाएं और फिर बिना टोके उसे जला दें। जब वो बाती पूर्ण रूप से जल जाएगी तब बच्चे पर से बुरी नज़र का असर भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 है, यदि आपके व्यवसाय को नज़र लग गई है तो शनिवार के दिन 1 हरे नींबू को अपने ऑफिस की चारों दीवारों से स्प्रश कराएं। उसके बाद में उस नींबू के 4 टुकड़े कर लें और चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे आपके व्यापार में लगी हुई बुरी नज़र जल्दी उतर जाएगी। नंबर 4 है, यदि आपके व्यवसाय को नज़र लग जाती है तो आप लोहे की 4 कीलें लें और अपने व्यवसाय सतल के चारों कोनों में उसे ठोक दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में लगी बुरी नज़र का असर समाप्त हो जाएगा। नंबर 5 है, यदि आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो शुक्रवार के दिन अशोक के पत्तों का वंदनवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है तथा बुरी नज़र का दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 6 है, शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर शनिदेव के मंत्रों के उच्चारण से उसका पूजन करें और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे आपके घर को कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा नंबर 7 है, बच्चे बड़े ही कोमल होते हैं, इसीलिए उनको नज़र भी कोमल और मीठी चीज़ों से उतारनी चाहिए। पानी, दूध, फूल या शक्कर से बच्चों की नज़र उतारना सही होता है। भगवान के मंदिर में रखे पानी के कलश से 7 बार उल्टे क्रम से नज़र उतारें और किसी भी पौधे में वह पानी चढ़ा दें। इसी तरह भगवान पर चढ़ाए हुए फूल से बच्चे की नज़र उतारी जाती है। शक्कर से नज़र उतारने के लिए आप दोनों मुट्ठी में शक्कर भर लें और बच्चे के सिर से दोनों हाथ अपनी अपनी दिशा में घुमाएं। 11 बार ऐसा करके शक्कर भरी मुट्ठियों को वाश बेसिन में तेज धार की नल से गला दें। ऐसा करने से नज़र भी बह जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलते रहें।